जनता की बहुत अच्छी है आप, जनता की असली बहुत अच्छी है आप, आई लव यू सो मच। बट ये जो एडिट ट्विस्ट है, अलोंग विद दिस एडिट ट्विस्ट, यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस? आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिग बॉस। फर्स्ट टाइम बिग बॉस ओटीटी, अब देखते हैं क्या होता है। अब जनता भी खेलेगी इसमें, तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, ये बड़े अच्छे शब्द लगते हैं लोगों को। 24 आवर्स लोगों को बड़े अच्छे शब्द लगते हैं, बिकॉज एक बार वो चिपक जाते हैं वो छोड़ते नहीं जिस सिनेमा को। बस आई होप कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो, जो होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको। आई जस्ट थिंक दैट एक हमारे सभ्यता के हिसाब से चले ये ओटीटी, इसलिए मैं इस ओटीटी का पार्ट हूँ। एक्चुअली करण और अफारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये ओटीटी करना पड़ा। अब एक बार कर लिया और छोड़ना नहीं चाहिए सर। आधी टीआरपी तो आप ही लेके आया थे, बाकी जिसको आप डांटते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर से स्टार्ट किया, उसके बाद मॉडल बना, उसके बाद फिल्मों में आया, फिर टीवी पर आया और फिर अब ओटीटी। अब ये पता नहीं ये ग्रोथ है या क्या है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म को छू रहा हूं और ये सब आपकी बदौलत है। यू नो जियो सिनेमा ने सर धमाका कर दिया था ड्यूरिंग द आईपीएल, आल्सो इतने सारे लोगों ने देखा था, दे लव्ड इट। और ये फ्री टू एयर पे जाके आई थिंक हर एक आदमी जो देखना चाहते हैं वो देख सकता है। आई थिंक बिग बॉस भी ऐसा ही है, मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं जानता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ टिप्पणी नहीं होती है। व्हाट आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस यू गेट जब आप किसी से मिलते हो? जैसे नॉर्मली लोग जब आपसे मिलते होंगे आपकी, चलो फिल्मों की अगर बात करते हैं, आपको बिग बॉस के बहुत सारे सवाल आते हैं आपके दोस्तों से? इतने आते हैं कि परेशान हो जाते हैं, फोन ऑफ रखना पड़ता है। और हर सीजन के पहले बहुत सारे लोगों का फोन कि मुझे बिग बॉस में डाल दो, मुझे बिग बॉस में डाल दो। उनके दोस्तों का फोन, उनके पेरेंट्स का फोन, बहुत सारे, मतलब कि किसी भी फील्ड इंडस्ट्रीज तो हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, उन सब के फ़ोन आते रहते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें आना है। और ये डिसीजन मेरा होता नहीं है, ये डिसीजन है शीतल, मनीषा, एंडमॉल, कलर्स का। तो मुझसे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सलमान खान यही फ़ोन कर लेगा तो हो जाएगा, सलमान खान इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कलर्स वाले और एंडमॉल वाले बहुत पहले से इन्होंने एक रूल रखा है कि एक रिकमेंडेशन मैंने किया था और उसे नहीं लिया गया तो फिर मैंने वो रेकमेंड करना छोड़ ही दिया। उसके बाद चार साल के बाद जिसको रेकमेंड किया था उन्होंने खुद ने उसको बुलाकर उसको कास्ट कर लिया। सो आई थिंक वी नो द फॉर्मूला, इट्स नॉट सलमान सर। हमारी मीडिया बहुत समय से यहाँ पे थी और ये यही जनता के असली बॉस है। मैं एक आध सवाल जरूर पूछवाना चाहूंगा, प्लीज यू गॉट द माइक सो जॉल। ऑलराइट, जिसको भी चाहिए बिग बॉस में आना तो मैं आपको शीतल और मनीषा का नंबर दे देता हूँ, उनसे फोन करके बात कर लीजिए। सलमान हाय, बे सभी से इंतजार कर रहे थे हम लोग और इस बार ओटीटी देखने में मजा आएगा क्योंकि ओटीटी में हम आपको मिस करते थे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्टेंट आए हैं, पर ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आने वाली है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है, अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद आज खुलेगा कौन कौन आ रहा है। और
आई एम श्योर के जो कास्टिंग इन्होंने की होगी बहुत ही अच्छी कास्टिंग की होगी और ये खुद मुझे सरप्राइज करेंगे कि ये कैसे लोग हैं जो कि आ रहे हैं इस घर के अंदर। एक मेरा एक दोस्त था जिसने खुद ने मुझे नहीं बताया कि वो घर में होने वाला है, मैं तो स्टेज पर देखकर उसको शॉक हो गया, वो है निकेतन मधो। और उनका ऐसा था कि जब से वो घर में आए एंड में निकले उनका बस चलता तो वो इस घर में रुक जाते हैं, अभी तक कि इस घर में होते। ओके वी जस्ट स्विच नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब गलत बात है, गलत बात है। ये शो मुझे अच्छा लगता है, इस शो से मुझे सीखने को बहुत मिलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ ये। और मुझे पता है कि इस शो से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है, इसलिए मैं ये शो करता हूँ। आप देख लें जो जो शो से निकला है, जिस भी हालत में आया है आई है, जो निकली है निकला है, तो उनका करियर कुछ 10 फोल्ड्स ऊपर चला गया। हेलो हेलो सलमान सर, दिस इज शिवम फ्रॉम जूम टीवी। सर वी ऑल लव यू फॉर व्हाट यू आर, और यू नो टीवी में हमने देखा है आपको कि यू नो चाहे वो पारस हो उनके ऊपर आपने कभी बहुत सारे गुस्सा किए, और बिग बॉस ओटीटी पे जो कि कोई बैरियर नहीं होने वाला है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं आप? बैरियर में हूं। ओटीटी पर भी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा जो कि हम सबके खिलाफ, हम सबके जो कल्चर के खिलाफ जाए, नहीं होने दूंगा। सलमान आप काफी साल से मतलब टीवी पे होस्ट कर रहे हैं, अभी आप ओटीटी पे करेंगे, एज एन एंकर आपको मतलब कहाँ कंफर्ट है और क्या कुछ अपने आप में बदलाव लाते जब आप दोनों जगह होस्ट करते हैं? ऐसा मुझे कोई डिफरेंस लगता नहीं है, वो जो ओटीटी का आप जिस कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं करता हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है, और आजकल बहुत कम भी हो गया और आई थिंक गाइडलाइंस भी आ गई हैं ओटीटी पर, तो उससे बहुत सुधार आया है। तो आप कितना इनसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपके लिए कैसा है ये? देखिए ओटीटी पर मैं पहले आ चुका हूँ, एक फिल्म थी राधे करके, हमने वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज की इंसर्ट थिएटर्स, क्योंकि उस वक्त पैंडमिक हाल ही में गुजरा था, किसी के पास पैसे वगैरह थे नहीं, तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि इसको हम ओटीटी पे डालेंगे ताकि बहुत ही कम पैसों के अंदर लोग जाके घर पे बैठ के पूरे परिवार के साथ फिल्म देखें। ओके आखिरी सवाल लेते हैं, एक अच्छी तरह आप लोग ही डिसाइड कर लो, एक ही आखिरी सवाल। यस यस दैट लेडी ऑन द राइट ओवर देयर, या जो आपने कहा है, जो फैंस ने कहा है वही मैं कहना चाहूंगा, लेकिन आप नाश्ता करके आइए। शादी होने वाली है भाई इसकी। अच्छा। बोल के थोड़ा है कैमरामैन। वाह वाह कांग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है इसको यही पकड़ लेते हैं, मुझे पता है कि ये कहां कौन सा लोग पकड़ सकता है इसके बाद। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड थैंक यू सो मच सलमान सर, वी टेक सम ऑफ थैंक यू, यस वी टेक सम ऑफ पिक्चर्स इन द बैक। इसको ये एक सेकंड हटा दो, इसको जरा हटा लेते हैं, थोड़ा पीछे आ जाओ, ये अंदर उधर ही भाई, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, सुन सुन।